गदर देखी थी आपने उस समय पे? हाँ देखी थी। क्या हुआ था उस समय पर? उस टाइम पर कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ था। हाँ मुसलमानों ने थोड़ा विरोध तो करा था, विरोध तो किया था पिक्चर के ऊपर जब लगी थी 2001 में, तो कुछ मुसलमानों विरोध किया था गदर पिक्चर का। बहुत से मुसलमानों ने पसंद भी नहीं की, पिक्चर को देखा भी नहीं, और थोड़ा पाकिस्तान के खिलाफ वो थोड़ा उसमें जो रोल दिए हैं अमरीश पुरी के, वो थोड़े उस टाइप के दिए हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की थी वो उसी हिसाब से बंटवारा हुआ था उस पीरियड में दिया था। तो ये एक प्रेम कथा कहानी है इसमें, और वो सच्चाई भी है। एक लड़की, हाँ बंटवारे के समय कोई एक लड़की मोमडन लड़की रह गई थी, मुसलमानी लड़की, तो वो हमारे पंजाबियों ने सरदारों ने उनको पना दिया, उसको बचाया इंसानियत के नाते से। हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत तो है ही, हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत तो है, और इसीलिए उस लड़की को पना दी और उसको रखा। मगर उसके बावजूद भी उस लड़की को पाकिस्तान भेजा, शादी की, सब कुछ किया और जिंदा वापस भेजा। फिर वे पाकिस्तान ने सनी देओल के साथ वहाँ गद्दारी की। हाँ गद्दारी की, वो तो कहा, उसने कहा उस टाइम पे कि इस्लाम कबूल करो, हमारी लड़की हिंदू बन सकती है तो तुम मुसलमान क्यों नहीं बन सकते? तो उसने कहा हाँ मुझे कबूल है, इस्लाम कबूल है। उन्हें ठीक है, तो बोले कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, तो उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद, बोले कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो। तो हिंदुस्तानी आदमी कहीं रुक नहीं सकता है, तो वहीं भरे पाकिस्तान में, और उसके विधानसभा नगर निगम की विधानसभा, तो वो मेयर थे आगे, तो उनके सामने, उनकी सिक्योरिटी के सामने ही बड़ी जीदारी से और चिल्ला के कहा हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और उसने ये भी कहा मैं अगर अपनी बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं तुम्हारे सर काट भी सकता हूँ। अच्छा, तो इसके पिक्चर पर मूवी अच्छा फॉलो किया पिक्चर ने। अच्छा अमरीश पुरी जैसे कलाकार कोई और हैं हमारे बॉलीवुड में, ऐसे कोई उनकी जगह ले पाएगा गदर 2 के अंदर? नहीं, गदर 2 पिक्चर एक, ये तो देखने से मालूम पड़ी, सेकंड पार्ट जितने भी पिक्चरों के आए हैं आज तक, जो भी पिक्चरें बनी है, फर्स्ट एंड पिक्चर जो बनी है और सेकंड पार्ट में पिक्चरें हमेशा फ्लॉप हुई है, और गदर 2 की मैं पक्की नहीं कह सकता। गदर 2 की बात अलग है, हाँ ये भावना है, ये तो एक जज्बा है जनता के अंदर गदर 2, तो कहानी तो बाद में मालूम पड़ेगी जब पिक्चर आएगी पर्दे पर। अमरीश पुरी ब्लेंड जैसा तो कोई हो नहीं सकता है, और ना ही पुराने एक्टर थे अजीत बाजी, ये पुराने ब्लेंड जो थे उनके बाद में एक अमरीश पुरी ऐसे आए थे, एक कादर खान भी थे, कॉमेडी में भी आए थे कादर खान नंबर 1 के ब्लेंड में चले थे सुहाग पिक्चर से वो, तो इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और प्रेम चोपड़ा का क्या? और नहीं, प्रेम चोपड़ा एक अलग चीज वो है, तो उनकी जगह तो खैर नहीं ले सकता आजकल कोई। एक विलेन दिखाई दे रहा है तो वो है सिंगम पिक्चर में जो प्रकाश राज हाँ बस सिकरे बस वो दिखाई दे। सनी देओल के सामने कहाँ जम पाएंगे प्रकाश राज? प्रकाश वो सनी देओल की टक्कर तो खैर नहीं है, तो अजय देवगन और अक्षय कुमार वगैरह इन्हीं के साथ चल सकते हैं। सनी देओल के साथ चाहिए भारी भरकम विलेन, तो वो चीज़ कोई आदमी दिखाई दे नहीं रहा है, कोई एक्टर्स है नहीं। आपने देखी थी गदर 2 समय पर? हाँ देखी थी गदर 2। क्या था माहौल उस समय पर? अच्छा माहौल था, यही माहौल था, बस मोमडन वगैरह ये जरा भड़क रहे थे और क्या, यही माहौल था। वो तो फिर अब भी ऐसा ही होने वाला, फिर दोबारा से भी ऐसा ही होने वाला, फिर तो दोबारा नहीं होने वाला, अब क्या होगा? जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब जो हमारे पंडित हैं हेड कर दी बता रहे हैं कि पाकिस्तान का दामाद है उसे दहेज में वो चाहिए, लाहौर चाहिए बता रहे हैं। लाहौर चाहिए? अच्छा कहा वो देंगे? अच्छा क्या आपका वैसे क्या राय है? क्यों नहीं देंगे भाई, बेटी दी है, दामाद है तो दहेज में तो कुछ भी दे सकते हैं भाई, जो उनके पास होगा वही देंगे। ये थोड़ी कि और कुछ मांग लें हम, तो हम लाहौर मांग रहे हैं या
पीओ के वो है मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। बेटी के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। अमरेश सूरी ने झुके नहीं, अमरेश सूरी एंड में आके देगा नहीं आपने। अमरेश सूरी ने एंड में भाई दामाद को पूजा जाता है और मैं उसके साथ ऐसा अत्याचार कर रहा हूँ तो अमरेश सूरी ने कबूल किया, पाकिस्तान ने कबूल किया, पाकिस्तान जानता भी है, पाकिस्तान का हर आदमी स्वाद को कबूल करता है, मगर कुछ लोग हैं वहाँ राजनीति वाले जो भड़का देते हैं तो ये होता है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वहाँ के अगर यहाँ का मुसलमान को देखो, यहाँ का मुसलमान कितना भाईचारे से चलता है और यहाँ के मुसलमान को वहाँ का मुसलमान गद्दार कहता है, ये हकीकत बात है। आज किसी मुसलमान से पूछ लो, वहाँ पाकिस्तान का आदमी यहाँ आएगा तो खातर करेगा, आदमी छुट्टियाँ कर देगा। अगर इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान चला जाए तो ये मेरे मालूम पड़ी है, मुझे मोमडन आदमियों से ही मालूम पड़ी है, मेरे पापा के थे तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए, उन्होंने कह दी पाकिस्तान में भी गाड़ी है घोड़ा है घर में सब कुछ है और आप घूमो फिरो ऐस करो, और हम अपने काम पर गए। तो मतलब जो हम उनको वो दे फैसिलिटी देते कोऑपरेट करते थे तो वो हम लोगों को नहीं करते हैं। ऐसा वैसा होता है, जैसे पठान मूवी आती तो ज़्यादातर मुस्लिम ही सपोर्ट करते हैं और ऐसी वाली मूवी आएंगी जैसे गदर मूवी तो ऐसे मुस्लिम सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा इस बार भी होने वाला है, क्या लगता है आपको? नहीं ऐसा अब तो खैर ऐसा नामुमकिन है ना होना, जो पहले था खैर अब तो खैर काई पलट है तो इसलिए तो नहीं होगा ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा। तो गदर मतलब हिट होने वाली है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर? हाँ पिक्चर गदर 2 को देखेंगे सब लोग देखेंगे, पर जो इस गदर में जो हुआ था वो ही मुसलमान लोगों का वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपस में, हैं? हाँ बस और कुछ नहीं।